हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स मेनिया। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो नंबर 7, जो कि है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने अपना टॉपिक फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तक खत्म कर लिया था, और आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के नेचर के बारे में। आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है कि मैनेजमेंट का जो नेचर है बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ का मानना है कि ये साइंस है, कुछ कहते हैं कि प्रोफेशन है, और कुछ का मानना है कि ये आर्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट का नेचर एक्चुअली है क्या, क्या ये साइंस है, ये आर्ट है, और या ये प्रोफेशन है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम करने वाले ये है कि हम पहले साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट से मैच करेंगे और देखेंगे क्या ये साइंस के सारे फीचर्स अगर मैनेजमेंट में है तो मैनेजमेंट साइंस हो जाएगा। उसी तरीके से हम आर्ट के साथ करेंगे और उसी तरीके से हम प्रोफेशन के साथ भी करेंगे, और लास्ट में हम ये कंक्लूजन बनाएंगे कि मैनेजमेंट आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि साइंस क्या है। कहते हैं कि साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और इस नॉलेज को आप कैसे एक्वायर करते हैं। मैं जैसे ही डेफिनेशन बोल रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस डेफिनेशन को पेन डाउन जरूर कर लें, क्योंकि होता है क्या कि आपका जो ह्यूमन बींग जो दिमाग है वो सारी चीजों को एक साथ रिटेन नहीं कर सकता। तो उसके लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स इस लेक्चर के जरूर लिखा करें, ताकि एट दी एंड वो आपको चीजों को रिकॉल करने में जरूर हेल्प करे। तो साइंस क्या है? साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको हम एक्वायर करते हैं ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। साइंस की नॉलेज को एक्वायर हासिल कैसे कर रहे हो? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। साइंस और क्या करती है? एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ। तो पूरी डेफिनेशन क्या है कि साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज जिसको एक्वायर करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से, और साइंस क्या करती है? एक्सप्लेन करती है सर्टेन जनरल ट्रुथ, कुछ ऐसी हकीकत, कुछ ऐसी सच्चाइयां जो अभी तक अनवील नहीं हुई थी। तो ये तो थी साइंस की डेफिनेशन। अब हम ये देखते हैं कि साइंस के फीचर्स क्या हैं, और फिर हम बात करेंगे कि क्या ये साइंस के फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं, ताकि हम ये कंक्लूजन निकाल पाए क्या मैनेजमेंट एक्चुअली साइंस है या नहीं। तो सबसे पहला फीचर है साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैं अगर आपसे बात करूं कि बेटा आप साइंस की नॉलेज को कैसे एक्वायर करोगे, तो आप कहेंगे सर मैं साइंस की नॉलेज को बुक्स, क्योंकि साइंस में बुक्स है, क्योंकि इंसान का, ह्यूमन बीइंग का, हम स्टूडेंट्स का एक सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? बुक्स। तो या ट्रू, साइंस की नॉलेज को आप कैसे एक्वायर करोगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, यू गॉट बुक्स थ्रू विच यू कैन एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। तो साइंस यू हैव बुक्स जिसकी हेल्प से हम उस नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। अब हम ये फीचर देखेंगे, क्या ये फीचर साइंस का मैनेजमेंट में अवेलेबल है? क्या साइंस की तरह मैनेजमेंट में भी बुक्स हैं जिसकी हेल्प से हम मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट में भी डिफरेंट स्कॉलर, चाहे वो फिलिप कोटलर हो, चाहे वो सीएस जॉर्ज हो, चाहे वो हमारे हेनरी फ्यूल हो, अब्राहम मैसल हो, और एनीबडी एल्स, उन स्कॉलर्स ने अपनी अपनी बुक्स मैनेजमेंट पर दी है, और जहां पर उन्होंने मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को बताया है, मैनेजमेंट को बताया। तो जिस तरीके से साइंस में बुक्स अवेलेबल है, उसी तरीके से बुक्स मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। तो ये फीचर साइंस का मैनेजमेंट में बिल्कुल प्रेजेंट है कि अगर साइंस में बुक्स अवेलेबल है तो वो बुक्स मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। जिस तरीके से हम साइंस की नॉलेज को बुक्स एक्वायर करते हैं, उसी तरीके से हम मैनेजमेंट की नॉलेज को भी मैनेजमेंट की बुक्स एक्वायर करते हैं। हमारा दूसरा फीचर है साइंस का कि साइंस किस पर बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं, उनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है, फिर अलग अलग कंट्रोल्ड कंडीशन में उन सारे ऑब्जर्वेशन को एक्सपेरिमेंट किया जाता है। साइंस के प्रिंसिपल क्या किए जाते हैं? पहले ऑब्जर्व किए जाते हैं, और फिर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है कि साइंस के सारे प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर। अब हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट में, चूंकि मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल है, बस हमें यह क्लियर करना है क्या क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी साइंस के प्रिंसिपल की तरह एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है,
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऑब्जर्व किए गए हैं और एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। वो अलग बात है कि साइंस के प्रिंसिपल फैक्ट्स पर, साइंस के प्रिंसिपल नॉन लिविंग थिंग्स और किसी जनरल थ्योरी पर प्रैक्टिस किए जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई किए जाते हैं। साइंस के प्रिंसिपल का आउटकम हर जगह कॉमन निकलेगा। अगर न्यूटन की बजाय अब्राहम मास्लो, न्यूटन की जगह अगर थॉमस एल्वा एडिसन ने अगर वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर ट्राई किया होता तो शायद क्या, बिल्कुल सही बात है, वो भी यही बताते कि अर्थ में ग्रेविटी है, क्योंकि ये तो पहले से एग्जिस्ट है, बस बताया है। न्यूटन ने बता दिया कि अर्थ में ग्रेविटी है क्योंकि उन्होंने इस चीज को पहले ही खोज लिया, किसी और ने खोजने से पहले। तो साइंस के प्रिंसिपल में जो आउटकम है वो सेम निकलेंगे, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अगर आप अप्लाई करेंगे अलग अलग लोगों पर, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई किए जाते हैं और जिनके एक्शंस और रिएक्शन कभी भी सेम नहीं होते। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई किए जाते हैं जिनका आउटकम कभी भी सेम नहीं है। तो 100% आप नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल साइंस के प्रिंसिपल की तरह। हाँ, अगर बात सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन ही तक रहे तो हाँ ठीक है, अगर साइंस के प्रिंसिपल भी ऑब्जर्व किए गए और एक्सपेरिमेंट किए गए हैं तो हाँ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऑब्जर्व किए गए हैं ह्यूमन बींग्स पर, एम्प्लॉइज पर, वर्कर्स पर, उनको भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल में आउटकम हर जगह एक सा निकलेगा, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ ये चीज बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जस्ट बिकॉज देर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बींग्स, देर आर वेरी लेस चांसेस टू गेट द सेम रिजल्ट। This feature of science is not 100% applied in management. And last हम बात करने वाले हैं universal validity कि science के principle universal valid है। मैं ये pen यहां पर नीचे कराऊं, ये marker यहां पर नीचे कराऊं तो भी नीचे आएगा, और आप वहां पर बैठे अगर आप अपने डेस्क से, आप अपने बेड से, आप अपने चेयर से अगर अपने पेंसिल को, अपने पेन को, अपने मार्कर को अगर नीचे गिराएंगे तो वो भी नीचे ही आएगा, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिड है। हर जगह अप्लाई करके देख लो, रिजल्ट एक ही आने वाला है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिड नहीं है। मैनेजमेंट का हर प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता दूं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, कि अगर आप किसी चीज को किसी हाइट से छोड़ेंगे तो वो नीचे आएगी, बिकॉज अर्थ इज हैविंग अ ग्रेविटी दैट अट्रैक्ट द थिंग्स टुवर्ड्स इट। चाहे मैं यहां छोड़ू चाहे आप वहां छोड़े, रिजल्ट सेम निकलेगा। तो क्यों, साइंस की प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिड है, कोई भी कहीं भी अप्लाई कर ले रिजल्ट सेम ही निकलना है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ ये चीज नहीं है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होता है लेकिन हर जगह हर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एस्पिरेट डिकॉप्स, जब मैं सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊंगा हम वहां बात करेंगे। हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है एस्पिरेट डिकॉप्स, जो बात करता है कि वर्कर्स जो काम करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो जब आप एक ग्रुप में काम करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और एक ये एक रूल है कि यू मस्ट वर्क इन अ टीम, यू मस्ट वर्क इन अ हार्मनी। तो एस्पिरेट डिकॉप्स का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उनके बीच में टीम स्पिरिट होनी चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए। लेकिन बेटा ये एस्पिरेट डिकॉप्स, ये टीम भावना, ये टीम स्पिरिट, ये वही तो काम करेगी जहां लोग टीम में काम कर रहे हैं। क्या मैं, मेरे ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है एस्पिरेट डिकॉप्स? क्यों, आई एम वर्किंग इंडिविजुअली, तो ये प्रिंसिपल मुझ पर बिल्कुल अप्लाई नहीं हो सकता। तो साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिड है, आप कहीं भी अप्लाई करेंगे आउटकम सेम निकलना है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ ये चीज नहीं है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वैलिड नहीं है, ये अप्लाई तो हर जगह होते हैं, लेकिन कौन सा प्रिंसिपल कहां अप्लाई होगा ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन और ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर। तो हमने ये जाना कि मैनेजमेंट साइंस की तरह पूरी तरीके से तो नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इनएक्जैक्ट साइंस, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएक्जैक्ट साइंस है। क्यों इनएक्जैक्ट साइंस है, ये क्वेश्चन बहुत ऑफन ली पूछा जाता है कि क्या मैनेजमेंट प्योर साइंस है, क्या मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक्यूरेट साइंस है? नहीं, ना मैनेजमेंट प्योर साइंस है, मैनेजमेंट इम्प्योर साइंस है। मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट इनएक्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट एक्यूरेट नहीं है, इन कर लिए मैनेजमेंट एज ए साइंस के बारे में, और हमने देख लिया है कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस तो नहीं, और उसके रीजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयर एग्जाम्स में प्री बोर्ड्स में बोर्ड में आता है, क्या मैनेजमेंट प्योर साइंस है, क्या मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक्यूरेट साइंस है, सो द आंसर इज नो. मैनेजमेंट नॉट अ प्योर साइंस, मैनेजमेंट इज अ इम्प्योर साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट अ एग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज अ इनएग्जैक्ट साइंस, एंड द रीजंस आर दिस. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है. और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते जाते हैं, कॉमर्स मेनिया, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलिएगा. एंड स्टे अपडेटेड, हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.